हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से और एक न्यू रेसिपी लेके हाजिर हूँ आप लोग के सामने। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये ठंड का सीज़न में वैरायटी वैरायटी पराठा गरम गरम खाने के लिए बहुत ही मन करता है फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ऐसे ही सुंदर सा एक पराठा का रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप सभी को पसंद आएगा। बच्चे को तो पसंद आएगा, बड़े लोग को भी पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं मैं कौन सा पराठा आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं गोल गोल पराठा मैं आज बनाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ये ठंड का सीज़न में आप लोग को क्या चीज़ ज़्यादा खाने के लिए पसंद करते हैं आप लोग? तो मैं तो ज़्यादा चीज़ कुछ गरम गरम मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के लिए मैं आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये पराठा बनाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आलू, गाजर और फूलगोभी को ग्रेट करके ले रही हूँ। तो दो आलू, दो गाजर और हाफ फूलगोभी, तो सारे को ग्रेट कर दी हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर दी। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें 2 चम्मच सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। सरसों का ऑयल गरम करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ सारे सब्जी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करेंगे। मसाला में हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। और अभी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो इसको बनाने में 2 से 3 सेकंड टाइम लगता है, बहुत झटपट कुक हो जाता है। देखिए, आप जब भी चाहे बना के बच्चे लोग को बड़े को दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मसाला बन के रेडी हो गया है। तो चलिए, यह आटा तो मैं पहले से गूंध के रखी थी। आटा जैसे नॉर्मल आप लोग रोटी बनाते हैं इस तरह से गूंध के रख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड की थी, आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं आटा में, नहीं तो बिना नमक का भी बना सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली जैसे रोटी हम लोग बेलते हैं, इस तरह सा आटा इसमें थोड़ा सा लगा के सूखा वाला आटा इस तरह सा बेल लेते हैं गोल गोल। तो देखिए, यहाँ पे सारे जो रोटी को इस तरह से बेल के जो हम लोग टॉपिंग बनाए हैं गाजर, आलू और फूलगोभी का, उसको इस तरह से बीच में रखेंगे और दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर और दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, मतलब चारों साइड से इस तरह सा स्क्वायर में फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में ये हल्का हल्का आटा लगा के सूखा आटा इस तरह को बेलेंगे। देखिए, इसको आप जितना जोर भी प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं निकलता है बाहर उसका स्टॉपिंग। उसके बाद यहाँ पे तवा को गर्म करने रख दी हूँ। तवा भी गर्म हो गया है, इसको सेक लेते हैं। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल या घी या बटर से सेक सकते हैं। तो आज मैं रिफाइंड ऑयल से सेक रही हूँ। ज़्यादातर मेरे बच्चे घी उतना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं आज रिफाइंड ऑयल से ही सेक रही हूँ। तो अच्छे से दोनों साइड इस तरह से प्रेस करते करते सेकेंगे। जब दोनों साइड अच्छे से सिक जाएगा उसके बाद इसको निकाल लेते। तो ये देखिए, हमारा एक बन के रेडी हो गया है। तो चलिए और एक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से आप रोटी बेल लेते हैं जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं। उसके बाद जो टॉपिंग हम लोग बना के रखे हैं उसको बीच में डालेंगे। ये देखिए, आपके हिसाब से आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से फैला लेते हैं, अच्छे से चारों तरफ। पूरा नहीं फैलाएंगे, बस जितना हम लोग का फोल्ड में आएगा उतना फैलाएंगे। तो देखिए, इस तरह से चम्मच की मदद से फैला देती हूँ। इसके बाद जो दोनों साइड का किनारे पहले लंबाई में इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से इस साइड से लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरा साइड से इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा किनारा है उसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से। ये ट्रिक से आप लोग पराठा बनाइए, आपका 1 दिन या 2 से 3 दिन भी रह जाएगा, आपका पराठा बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, नरम की नरम रहेगा। आप लोग बना के मुझे खाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही यूनिक पराठा है फ्रेंड्स, जल्द से जल्द बनाइए घर में और खाइए। तो देखिए, ये पराठा भी हम लोग का रेडी हो गया है। तो चलिए इसको भी सेक लेते हैं। तो तवा पहले से गर्म हुआ था, इसको मैं सेक लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना सारा बना के रेडी कर ली हूँ।
मैं आज बनाई हूँ मोमोज का चटनी, जो टमाटर मिर्चा दे के जो बनाते हैं वही चटनी के साथ हम लोग आज एंजॉय करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को आज का रेसिपी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए कितना सॉफ्ट है, अंदर में देखिए इसका टॉपिंग भरा हुआ है, भर भर के है फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो जल्दी से जाइए और बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए